आप लोगों को स्लाइड्स नजर आ रही हैं? जी सर। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, फिर हमने जो है वो कहा कि हमने राउटर को कॉन्फ़िगर किया और उस पे जो है वेरिएंस कैलकुलेट करने के बाद वेरिएंस 5 लिख के हमने कोड कर दिया। अब जब कोड किया तो उसके बाद जो है हमें ये प्रॉब्लम नजर आ रही है कि हमने वेरिएंस 5 लिख दिया लेकिन जो है वो पैकेट तीनों रास्तों से जा नहीं रहे। ये देखें, यहां पर ये नजर आ रहा है आपको, हमें जो है वो तीनों रास्ते नजर आने चाहिए। हमने पिछले भी जो है डिस्कस किया था कि जब हम वेरिएंस कैलकुलेट कर लेते हैं तो फिर जितने भी पॉसिबल रूट हैं वो सारे के सारे नजर आने चाहिए। सीरियल 0 नजर आ रहा है, सीरियल 1 नजर आ रहा है। सीरियल 0 नजर आ रहा है, सीरियल 1 नजर आ रहा है। ये दोनों के दोनों जो हैं ये नजर आ रहे हैं मुझे डायग्राम में, लेकिन मुझे जो है वो ईथरनेट 1 मुझे जो है वो नजर नहीं आ रहा। ईथरनेट लिंक मुझे नजर ना आने की वजह, हेलो अब्बास, आपको मेरी आवाज आ रही है? अब्बास, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। जी, आप मेरा लेक्चर सुन लें, बाकी चीजों को छोड़ दें। सर वो पता नहीं क्या चल रहा है सर, बच्चे ना सर। क्या मतलब, आप अपना काम करें ना, दूसरा दुनिया को छोड़ दें। मैं सर अपने ही कर रहा था, ये पता नहीं क्या है। तो आप जो है वो कैमरा अपना बंद करें। बंद हो गया सर, पता ही नहीं था सर। जी, तो आप जो है वो दूसरी फजूल बातें जो सुन रहे हैं ना क्लास में, आए भी लेट है और फिर उसके बाद जो है वो आकर भी जो है वो बस बिला वजह एवं ही बैठे हैं। क्या सुन रहे हैं सर? जी, इस राउटर के ऊपर मुझे बताएं कि कौन सा प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर है। कौन से ऊपर सर? HSN राउटर पे। डायग्राम सामने नजर आ रही है ना आपको, टेबल? यस सर। कौन सा प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर है इस राउटर पे जिसका ये राउटिंग टेबल दिखा रहा है? देख रहा हूँ सर, IGRP है सर ये तो।
IGRP है, कैसे पता चला? अंदाजा लगाया। एक और आया मैसेज, एक और मैसेज आया, देखे देखे। नहीं सर मैसेज नहीं आया, लेकिन मुझे लग रहा है सर मैंने पीछे पढ़ा था सर ये इस तरह से। अरे मैसेज आया, मैसेज देखो ना, उसमें जवाब दिया है किसी ने। ऐसा नहीं है सर, ऐसा ही है बेटा, ऐसा ही है, कोई मसला थोड़ी है, ऐसा ही है, ये टेंशन नहीं लिया करो, सब हमें पता होता है, मसला नहीं है कोई भी। उसके बावजूद जितना भी टीचर जो है वो आगे निकल जाए, स्टूडेंट से आगे नहीं निकल सकता। स्टूडेंट जो है वो पता नहीं कौन कौन से जुगाड़े ढूंढ रहे होते हैं। बहरहाल कोई मसला नहीं है, धोखेबाजी टीचर से नहीं हो रही है, धोखेबाजी अपने साथ ही हो रही है। पता है नहीं कि कौन सा प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर हो रहा है, और जो है वो चलिए देखें भाई, ये जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं केस स्टडी, इसके अंदर जो है वो प्रॉब्लम ये आई है कि तीनों रास्ते यहाँ पर नजर आने चाहिए जो पीछे मैट्रिक नजर आ रहे थे। सीरियल जीरो से भी पैकेट जाना चाहिए, सीरियल वन से भी पैकेट जाना चाहिए, और ईथरनेट वन से भी पैकेट जाना चाहिए अगर ईथरनेट वन है ऊपर। पता नहीं ईथरनेट जीरो है कि ईथरनेट वन कन्फिगर किया। तो जो भी पाथ है वो तीनों पाथ यहाँ पर राउटिंग टेबल में नजर आने चाहिए जब आपने वेरियंस की कमांड डाली है। और दूसरी बात ये मैं भी दोबारा वाजे कर दूं कि मैक्सिमम पाथ की कमांड यूज नहीं की गई है। कि अगर कोई ये सोच रहा है कि मैक्सिमम पाथ की कमांड यूज की गई है, अगर मैक्सिमम पाथ की कमांड यूज नहीं अगर होती तो तब भी जो है वो बेस्ट टू पाथ आ रहे होते, सीरियल जीरो आता और ईथरनेट वन आता। इसीलिए मैं आप लोगों से पूछ रहा था, ईथरनेट वन आता, सीरियल वन तो आता ही सबसे आखिर में, सीरियल वन तो है ही सबसे जो है वर्स्ट पाथ, इसलिए जो है यहां पर तीसरा पाथ अवेलेबल नहीं है। इसको मुझे ट्रबल शूट करना है, इसको मुझे ट्रबल शूट करना है कि क्यों ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से तीसरा रास्ता विजिबल नहीं हो रहा, वहां से पैकेट नहीं जा रहे। जितने पाथ राउटिंग टेबल में नजर आ रहे होंगे पैकेट उसी रास्तों से जा रहा होगा, ये कंफर्म है, ये हम स्टैटिक राउटिंग से करते आ रहे हैं। ठीक है भाई, प्रॉब्लम समझ में आ गई आप लोगों को सबको? Yes, श्री न्यू शेयरिंग आ गया, पेज अप। सैयद वे शाहजेब जाफरी, शाहजेब जाफरी बेटा, ये बुक आपने देखी हुई, ये वाली बुक जो मैंने खोली है सर? डिजिटल लाइब्रेरी में देखी थी। डिजिटल लाइब्रेरी में देखी थी, आपके पास नहीं है? नहीं सर, वहीं से देखी थी, मतलब जब भी यूज करनी होती है तो वहीं देख लेते हैं। डाउनलोड करने की भी सहमत नहीं की सर, डाउनलोड एक की थी मगर वो गलत हो गई थी, तो ये वाली मुझे बाद में मिली थी। कौन सी है ये बुक, नाम बुक का, नाम ऑथर नेम? सर बुक का नाम सर वो था एफ से कुछ था सर, फ्लॉइड, एफ से फ्लॉइड होता है? नहीं सर फ्लॉइड नहीं था, अभी याद नहीं आ रहा सर। ठीक है, महान लोग हैं मेरी क्लास के अंदर, बेहतरीन है, जिन लोगों को जो है वो टेक्स्ट बुक के बारे में नहीं मालूम है, वो क्या बुक खोली होगी और क्या पढ़ा हुआ होगा उन लोगों ने। ठीक है, ऑथर नेम भी नहीं पता होगा फिर तो जाहिर सी बात है। ठीक, गुड, बेहतरीन है, चले समर में तो पता चल ही जाएगा। कोई इशू नहीं, अभी नहीं पता तो समर में पता चल जाएगा। रजी सिद्दीकी। यस सर। ये बुक का नाम मालूम है आपको? सर अभी टॉप ऑफ द हेड याद तो नहीं आ रहा। नहीं याद आ रहा। कोर्स का नाम क्या है हमारे जो हम कोर्स पढ़ रहे हैं?
डाउटिंग का कोर्स है जी, डाउटिंग का कोर्स है ना सर। आज क्लास किस कोर्स की है, कोर्स का नाम क्या है? मतलब पूरा नाम? हाँ जाहिर है सर, इंटरनेट एंड इंटरनेट आर्किटेक्चर। क्या फर्क है इंटरनेट और इंट्रानेट में? रजी जी सर, क्या फर्क है इंटरनेट और इंट्रानेट में? नहीं मालूम ना, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है और आप राउटिंग का कोर्स पढ़ने जा रहे हैं यार, वाह जबरदस्त है, बेहतरीन, बहुत आला, छा गए आप लोग तो। ये देखिए जी, ये टेक्स्ट मैंने जो है बुक से उठाया है, कहीं और दूर से नहीं उठाया मैंने। ये कह रहा है कि द नेक्स्ट होप राउटर मस्ट बी मेटिकुलरली क्लोजर टू द डेस्टिनेशन, दैट इज इट्स अ मैट्रिक फॉर द रूट मस्ट बी स्मॉलर देन द लोकल रूट मैट्रिक। डायग्राम पे आते हैं, डायग्राम पे समझने की कोशिश करते हैं क्या कह रहा है भाई। जी भाई, ये कह रहा है नेक्स्ट होप राउटर, एचएसएन से नेक्स्ट होप राउटर कौन सा है? एक तो लविट है और एक कैनन है। एचएसएन से नेक्स्ट होप राउटर कौन सा है, लविट है या फिर कैनन है? क्योंकि हमें तो टोकनिंग पे जाना है ना, टोकनिंग के डेस्टिनेशन पे मुझे पहुंचना है, इस जगह पर मुझे ये पहुंचना है, तो फिर इसका मतलब यह है कि मुझे, ये कह रहा है रूल ये है, पॉलिसी ये है कि एचएसएन से नेक्स्ट होप राउटर जो होगा वो उसका मैट्रिकुलरली क्लोजर होगा या कम होगा एज कंपेयर टू एचएसएन से। एचएसएन से जो मैट्रिक कैलकुलेट कर रहे हैं और जो लविट से मैट्रिक कैलकुलेट कर रहे हैं, वो हमेशा लविट का मैट्रिक कम होना चाहिए। बहुत आसान से अल्फाज में अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए कंसिडर करें, इस पर रिप प्रोटोकॉल कन्फिगर है, तो मुझे, मैं समझ सकता हूं कि अगर मुझे एचएसएन से लविट और लविट से हैरीमैन और हैरीमैन से टोकन रिंग पे जाना है, तो एचएसएन पे मैं खड़े होकर मैं कह सकता हूं आराम से कि टोकन रिंग नेटवर्क जो है एचएसएन से टू होप अवे है अगर लविट की तरफ से जाए। सबको क्लियर है ये? यस सर। और अगर लविट पे खड़े होकर मैं बोलूं कि टोकन रिंग पे जाने के लिए कितने होप है, तो फिर मैं कहूंगा कि वन होप अवे, तो लाजमी हो गया ना कि एचएसएन से टू होप अवे, तो लविट से वन होप अवे होगा। तो वो भी ये कह रहा था नेक्स्ट होप राउटर मस्ट बी मेटिकुलरली क्लोजर टू द डेस्टिनेशन, दैट इज इट्स अ मैट्रिक फॉर द रूट मस्ट बी स्मॉलर देन दैट ऑफ दैट द लोकल राउटर्स मैट्रिक। इसी तरह से जब मैं एचएसएन से टोकन रिंग पे जा रहा हूं कैनन की तरफ से, तो एचएसएन ये कह रहा है कि मुझसे वन होप अवे, और कैनन क्या कह रहा है, मुझसे डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो ये भी सही है, यहां पर भी बात सही है। अब हम बात करते हैं आईजीआरपी की शक्ल में, क्योंकि इन पर जो है वो आईजीआरपी कॉन्फ़िगर है। अब हम कह रहे हैं कि एचएसएन से अगर मैट्रिक जो है वो लविट और लविट से हैरीमैन और हैरीमैन से टोकनिंग पे आ रहा है, और एचएसएन जो है मैट्रिक कैलकुलेट कर रहा है फॉर एग्जांपल 25, तो लविट का मैट्रिक कम से कम 24 तो होना चाहिए ना, तभी तो कह सकते हैं कि जो है वो लविट जो है वो डेस्टिनेशन से करीब है। एचएसएन से मैट्रिक आ रहा है 25, जब मैं लविट पे मैट्रिक कैलकुलेट कर रहा हूं टोकनिंग पे जाने के लिए, कम से कम 24 आना चाहिए, 23 होना चाहिए, 22 होना चाहिए, 20 होना चाहिए, 15 हो सकता है, 10 हो सकता है, लेकिन 25 भी नहीं हो सकता, क्योंकि एचएसएन से मैट्रिक 25 है, तो लविट से जो है वो 25 नहीं हो सकता। ये बात क्लियर है सबको? सर मतलब 25 से कम हो सकता, 25 नहीं हो सकता।
क्योंकि मैट्रिक बराबर कैसे हो सकता है एचिसन से और लविट से उसी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए मैट्रिक बराबर नहीं हो सकता। इसी तरह से एचिसन से अगर कैनन और कैनन से टोकनिंग पे जाएं तो अगर एचिसन से 25 मैट्रिक आ रहा है तो कैनन से मैट्रिक 25 नहीं होना चाहिए, 25 से कम होना चाहिए, 24, 23, 22, 20, 15, 10 ऐसे कुछ हो सकता है। तो अगर एचिसन से और कैनन से मैट्रिक बराबर है तो फिर ये जो है वो गलत हो जाएगा, कुछ और प्रॉब्लम है इसके साथ। तो इसलिए वो कह रहा है द नेक्स्ट होप राउटर बीइंग क्लोजर टू द डेस्टिनेशन इज ऑफन रेफर्ड टू एज एन द डाउन स्ट्रीम राउटर। तभी हम कहेंगे ना कि हम डेस्टिनेशन के करीब हो गए, डाउन स्ट्रीम राउटर है। और डायग्राम में नजर भी आ रहा है कि हम डाउन स्ट्रीम की तरफ जा रहे हैं। तो अब हमारा टारगेट ये है, अब हम टारगेट ये करने जा रहे हैं कि हमें एचिसन से तो मैट्रिक निकाल लिया, अब लविट से भी मैट्रिक निकालें और कैनन से भी मैट्रिक निकालें। देखिए प्रॉब्लम कहां पर है, हो सकता है ऐसी कोई प्रॉब्लम हो सकता है ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है। तो अब हम लविट से भी मैट्रिक निकाल रहे हैं और कैनन से भी निकाल रहे हैं, और वो मैट्रिक जो है मुझे एचिसन से जो मैट्रिक निकाला हुआ है उससे कम आना चाहिए, बराबर भी नहीं होना चाहिए। तो हम जो है अब आगे टारगेट ये कर रहे हैं कि हम लविट का और कैनन का मैट्रिक निकाल रहे हैं टोकन रिंग के लिए। जाना मुझे उधर ही है, जाना उधर टोकन रिंग पे ही है मुझे। ये टेक्स्ट हम नीचे लिख देते हैं, सी अच्छा जी, जब लविट से कैलकुलेट कर रहा है मैट्रिक तो ये देख लें यहां पर ये मेंशन कर रहा है लविट से जो मैट्रिक कैलकुलेट किया है वो आ रहा है 8539। This is equal to but not better than Acheson best root. तो देख लें भाई यहाँ पर इसको मैं हाईलाइट भी कर रहा हूँ, इसने लविट से कैलकुलेट किया, आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं, सारी वैल्यूज जो है वो गिवन है, आप जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये मैट्रिक कैलकुलेट किया लविट से टोकनिंग नेटवर्क के लिए जो कि आ रहा है 8539, और यही मैट्रिक हम जो है पीछे निकाल चुके हैं, वो भी वेरीफाई कर लें। ये रहा 8539 जो है हम पहले भी निकाल चुके हैं, और ये मैट्रिक हमने एचिसन से निकाला था 8539, और अब जो लविट से मैट्रिक निकाला है वो भी 8539 आ रहा है। लविट से जो मैट्रिक निकाल रहे हैं वो भी 8539 ही आया है, सेम मैट्रिक। दिस इज इक्वल टू बट नॉट बेटर देन एचिसन बेस्ट रूट। तो एचिसन से बेस्ट रूट से जो है बेहतर नहीं है। एचिसन का कितना आया था बेस्ट रूट 8539, और ये भी 8539 आ गया, तो दोनों बराबर आ गए। तो फिर ये डाउन स्ट्रीम राउटर नहीं बन रहा, ये डाउन स्ट्रीम राउटर डिक्लेयर ही नहीं हो रहा। दूसरा कैनन को भी देख लें, कैनन से भी मैट्रिक निकाल के चेक कर लें, कैनन से जो मैट्रिक आया है वो 688 आ रहा है। तो ये तो लोअर है, ये तो बेहतर है, क्योंकि एचिसन का जो कम से कम मैट्रिक आया था वो 8539 था और कैनन से आया 688, तो ये तो डाउन स्ट्रीम राउटर बन रहा है, क्योंकि अगला राउटर है ना डेस्टिनेशन से ज्यादा करीब है, इस वजह से इसका मैट्रिक एचिसन से जितना मैट्रिक निकाला है उससे कम आना चाहिए, और जो कि आ रहा है। तो कैनन की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कहां पर आ रहा है, एचिसन पे आ रहा है कि उसका मैट्रिक कम नहीं आ रहा बल्कि बराबर आ रहा है। तो कम आने की सूरत क्या हो सकती है कि इसका मैट्रिक कम से कम 8538 आना चाहिए, क्योंकि जो है वो एचिसन का मैट्रिक 8539 कम से कम था। तो अब जो मैट्रिक आना चाहिए लविट का वो 8539 से कम आना चाहिए, 8538, 8530, 8500 ऐसा कुछ आना चाहिए, 8539 नहीं आना चाहिए जो कि एग्जैक्टली सेम है। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम हमें लविट पे जो फेस करना पड़ रहा है, इस वजह से दो मैट्रिक एग्जैक्टली सेम आने की वजह से एक को वो ओवरराइट कर रहा है, इस वजह से मैट्रिक जो है वो दो दिखा रहा है राउटिंग टेबल में, मतलब रूट जो है वो दो दिखा रहा है टेबल में, तीसरा रूट दिखा ही नहीं रहा वो। इस वजह से अब हमें करना क्या पड़ेगा, हमें लविट वाले पाथ के ऊपर जो है वो जाकर हमें मैट्रिक को एडजस्ट करना पड़ेगा, हमें मैट्रिक को सेट करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, हमें जो है वो मैट्रिक चेंज करने के लिए हमारे पास ये कमांड मौजूद है। हम क्या करते हैं, इंटरफेस जो सीरियल जीरो है जो कि सबसे कम मैट्रिक आया था, जिसका सीरियल जीरो का सबसे कम मैट्रिक था,
अब हमने जो है वो क्या कर सकते हैं बेहतर, मजीद बेहतर बनाने के लिए हमारे पास दो चीजें हैं उसके अंदर अंदर मैट्रिक में, एक बैंडविड्थ है और एक डिले। तो कॉस्ट कम करने के लिए मैंने पहले भी बताया था कि कॉस्ट कम कब होगी, जब रास्ता बेहतर होगा। बेहतर रास्ता कब हो सकता है, डिले आप कम कर दें या बैंडविड्थ बढ़ा दें तो रास्ता बेहतर हो जाएगा ना। बैंडविड्थ ज्यादा हो जाएगी तो वो रूट प्रेफरेबल हो जाएगा, डिले कम हो जाएगा तो वो रूट प्रेफरेबल हो जाएगा। ये दो ही सूरतें उसके अंदर है। तो हमने मैट्रिक के फॉर्मूले के अंदर यही दो चीजें देखी थी, बैंडविड्थ और डिले को। तो या तो बैंडविड्थ को बढ़ा दें या डिले को कम कर दें, दोनों में से कोई एक सूरत आप कर दें तो आपका मैट्रिक मजीद बेहतर हो जाएगा, उसकी वैल्यू मजीद कम हो जाएगी और वो मजीद प्रेफरेबल हो जाएगा। इस वजह से हमने क्या किया, इंटरफेस सीरियल जीरो पे हमने डिले पहले डिफॉल्ट था, कितना होता है डिफॉल्ट 2000 सीरियल लिंक का, आप देख लीजिएगा टेबल के अंदर भी और इसमें भी कैलकुलेशन के अंदर हमने जो है वो डिले 2000 लिया हुआ है। तो डिफॉल्ट डिले जो है वो 2000 होता है, उसको कम करके हमने 1999 कर दिया। जब डिले आप इतना कर देंगे इसका तो अब आंसर जो है वो 8539 नहीं आएगा, बल्कि कम से कम 8538 या कुछ और वैल्यू उससे भी कम आ रही होगी। तो जब हम ये काम कर देंगे तो अब जो है वो जो आंसर आ रहा होगा लविट से 8539 तो आ ही रहा होगा, लेकिन अब सीरियल लिंक का जो है उसका डिले जो है उसका मैट्रिक जो है 8539 नहीं होगा, बल्कि 85 कम से कम 8538 होगा। तो अब 8538 और वहां से हमें जो है वो मैट्रिक कुछ और मिल रहा है। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि हमें जो है मैट्रिक जब डिफरेंट मिलेगा तो हम ये कर लेंगे। अब हम राउटिंग टेबल जब देखते हैं, अब हम जब राउटिंग टेबल देख रहे हैं, राउटिंग टेबल जब हम चेक कर रहे हैं तो उसके अंदर दोबारा हमने जब वेरीफाई किया तो अब सीरियल जीरो भी आ रहा है, सीरियल वन भी आ रहा है और ईथरनेट वन भी आ रहा है। तो पहले जो है हमें ईथरनेट वन नजर ही नहीं आ रहा था। तो आप देख लें कि अब जो है वो मैट्रिक हमें 8538 नजर आ रहा है ईथरनेट वन का, 8638 आ रहा है, 8539 आ रहा है, 41125 आ रहा है। सीरियल जीरो से भी पैकेट जा रहे हैं, सीरियल वन से भी जा रहे हैं, ईथरनेट वन से भी जा रहे हैं, तीनों लिंक से पैकेट जा रहे हैं। हमने सिर्फ और सिर्फ ये काम किया है कि हमने मैट्रिक जो है उसकी वैल्यू जो है वो कम कर दी है कि जो कि ओवरराइट हो रही थी, एग्जैक्टली सेम मैट्रिक आ रहा था दोनों। तो ये प्रॉब्लम जो है वो इस तरह से रिजॉल्व हो जाएगा। सर जी, सर ये एचएसएल से टोकन लिंक पे जा रहे थे जब भी मैट्रिक सेम था, लविट से भी जा रहे थे तब भी सेम था, जब वो इसको राउटिंग टेबल में इसलिए शो नहीं हो रहा था। जी, दो मैट्रिक जो है वो हमने कहा ना कि डाउन स्ट्रीम राउटर का मैट्रिक कम होना चाहिए, ठीक है। आप जो है वो मिसाल के तौर पे आप रहते हैं क्रॉसिंग पे, मैं रहता हूँ यहाँ पर नाजमाबाद में, ठीक है। तो मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे जो है वो कीट पहुंचने के लिए 45 मिनट लगते हैं, आप कहते हैं क्रॉसिंग से मुझे जो है वो कीट पहुंचने में 45 मिनट लगते हैं, ये बात मानने की है क्या? नो सर। तो आप डाउन स्ट्रीम राउटर पे रहते हैं तो आप जो डेस्टिनेशन से ज्यादा करीब हैं, तो कम से कम आपको ये कहना चाहिए था कि मुझे 44 मिनट लगते हैं तो बात समझ में आती थी। 45 मिनट मैं कह रहा हूं, 45 मिनट आप कह रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आती है, ठीक है। तो आप डेस्टिनेशन के ज्यादा करीब मौजूद नहीं है जब ये आप कह रहे हैं कि मैं 45 मिनट लगते हैं। तो जब आप ये कह रहे हैं कि मैं कीट से ज्यादा करीब रहता हूं तो आप फिर 44 मिनट कह सकते हैं, 40 मिनट कह सकते हैं, 35 मिनट कह सकते हैं, 30 मिनट आप कह सकते हैं। तो फिर जो है वो डाउन स्ट्रीम जो है वो राउटर हम डिक्लेयर करते हैं उसको। तो ये प्रॉब्लम यहां पर इस ट्रबल शूटिंग में हमने देखी है, हम किस तरह से इसको रिजॉल्व कर सकते हैं वो भी हमने इसको देख लिया। कोई क्वेश्चन इस टोपोलॉजी के हवाले से?